गोरठेकरांना भोकर विधानसभेचे आमदार करून काम द्या आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना पराभूत करून आराम द्या असं म्हणत भाजप कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी अशोक चव्हाणांवर मिश्किल टीका केली आहे. केंद्रात तुमच्या हक्काचे मोदी सरकार आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार आणण्यासाठी भोकर मधून बापूसाहेब गोरठेकर यांना निवडून देण्याचं आवाहन भाजपचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी केलं. मुदखेड येथील जाहीर प्रचार सभेत ते बोलत होते. पाहुयात. ऊपर मोदी जी की सरकार, मोदी जी का पूरा समर्थन है, सारा आशीर्वाद महाराष्ट्र को मिल रहा है. नीचे जब आप सरकार बनाएंगे तो डबल इंजन की सरकार बनेगी, मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा और देवेंद्र फडणवीस विकास को आप तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इस बात को आपको विश्वास करना. अब हम देश की तस्वीर देखें. आपने अभी प्रताप राव जी को 19 या जिस तारीख को मई को चुनाव हुआ होगा उसमें आपने अपनी उंगली से बटन दबा करके कमल के निशान पर वोट डाला. आपने अपनी उंगली से अशोक चव्हाण को हरा करके प्रताप राव को यहां से भेजा, प्रताप पाटिल जी को भेजा. ये मई महीने में दिल्ली पहुंचे और 6 अगस्त को इन्होंने अपनी ही उंगली से धारा 370 को धाराशाही कर दिया. आपकी उंगली की ताकत को कोई सोच नहीं सकता था. 104 कानून जम्मू कश्मीर की धरती पर लागू नहीं थे जिनको भारत की संसद ने पारित किया था. यहां आदिवासी इलाका है, जम्मू कश्मीर में आदिवासी के लिए कोई भी राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं था, एक भी लोकसभा की सीट एसटी की नहीं है. भाई वो सिर्फ वहां सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे और कोई नौकरी करने का उनको अधिकार नहीं था.